प्रॉपर्टी फोर इफ ए टू रोज आर कॉलम आर डिटरमिनेंट आर इन द चेन देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट चेंज बाय माइनस वन ओनली। ठीक है, अगर किसी डिटरमिनेंट के दो और दो या दो कॉलम को आपस में चेंज करिएगा तो डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होती है माइनस साइन से बदल जाती है, केवल माइनस केवल नेगेटिव हो जाएगा, वैल्यू वही रहेगी। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू जो है ओरिजिनल वैल्यू का माइनस टाइम हो जाता है। चलिए आगे ये चीज प्रूव करेंगे। तो लेट योर डिटरमिनेंट डेल्टा इक्वल टू ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी ए थ्री बी थ्री सी है ना। आर इज द चेंजिंग इन टू रो, आर इज द चेंजिंग चेंजिंग के टू कॉलम, चेंजिंग के टू कॉलम, टू कॉलम। तो देखिए जैसे जब फर्स्ट और सेकंड कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, मतलब फर्स्ट को सेकंड बना देते हैं, सेकंड को फर्स्ट बना देते हैं, तब डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी डेल्टा डैश बी वन बी टू बी थ्री हो जाएगा। ए वन ए टू ए थ्री हो जाता है और सी वन सी टू सी थ्री हो जाता है ना। आपको क्या करना है डेटा डे से वैल्यू निकालना है एंड वी हैव टू प्रूव दैट डेटा डे इज इक्वल टू मान डेटा, डेटा डे की वैल्यू क्या है मान डेटा के बराबर टू प्रूव ये प्रूव करना। ठीक है, चलिए इसलिए जो है फिर सेकेंड डिटरमिनेंट ओपन करते हैं, फिर दोनों को रिलेट करते हैं। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट डिटरमिनेंट ओपन कर लीजिए। तो फर्स्ट डिटरमिनेंट का गिवन डिटरमिनेंट आपका कितना है, ओरिजिनल डिटरमिनेंट आपका ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू ए थ्री बी थ्री। ठीक है, तो डेटा डे कितना हो जाएगा डेटा डे से छोटे क्या हो जाएगा, नहीं डेटा छोड़ दो, इसको क्या करते हैं हम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो ओपन कर देते हैं या फर्स्ट कॉलम ओपन कर देते हैं। चलिए एक्सपेंडिंग डिटरमिनेंट विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट कॉलम, एक्सपेंडिंग डिटरमिनेंट, एक्सपेंडिंग डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट कॉलम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट कॉलम। ठीक है, इसको फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में ओपन करते हैं। तो फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट ओपन करेंगे तो डेटा कितना हो जाएगा, ए वन ले लिया मैंने है लीव फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो मैंने छोड़ दिया और फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया। ठीक है, जैसे फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट ओपन करें तो ए वन ले लिया मैंने ना, अब ए वन ले लिया तो फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया और फर्स्ट रो छोड़ दिया, जो बचता है यहाँ लिखे क्या क्या बचेगा, तो ये बचेगा आपका बी टू सी टू बी थ्री। ठीक है, फिर माइनस आप देखिए इसका प्लस है इसका प्लस है माइनस है, तो माइनस ए टू। ठीक है, अब ये फर्स्ट सेकेंड रो को देंगे फर्स्ट कॉलम को देंगे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या बन जाएगा बी वन सी वन बी थ्री सी थ्री है, तो बी वन सी वन बी थ्री सी थ्री प्लस ए थ्री लिखी हुई ए थ्री लिखा, तो देखिए ए थ्री जब लिखेंगे तो ए थ्री आपका थर्ड रो में तो थर्ड रो छूट जाएगा और फर्स्ट कॉलम छूट जाएगा, क्या बचेगा बी वन सी वन बी टू सी टू बी वन सी वन बी टू सी। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ए वन, आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या हो जाएगा बी टू सी थ्री माइनस बी थ्री ए टू ले लिया मैंने तो बी वन सी थ्री माइनस बी थ्री सी, फिर ए थ्री हमने ले लिया तो बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन बी टू सी। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद जो है दूसरा डेटा फिर करते हैं, दूसरा डेटा आपका डेटा डे ये आपका डेटा
क्या होता है वैल्यू ऑफ डेटा, इस पर क्वेश्चन वन ले लेते हैं। क्या करते हैं क्वेश्चन, अब दूसरी बार लेते हैं। वीडियो कर दो।